कोई ना जो याद तेरी आई वे। क्वेश्चन आपके सामने ये 39, द डिवाइस यूज फॉर द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड आ। देखो, जो डिवाइस पैदा करती है ना, तो उसको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, या फिर आप ये भी कहते हो कि वो जनरेट कर रही है। अब यार, एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को पैदा कर रही है, तो वो गैल्वेनोमीटर तो होगा नहीं, क्योंकि गैल्वेनोमीटर का काम तो नापने का होता है। ना ही मोटर होगी, क्योंकि मोटर को तो खुद इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। जनरेटर होगा, क्योंकि जनरेटर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट ही पैदा करता है। काम कैसा करता है? जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई भी करंट कैरिंग कॉइल घूमती है, उसे कैसे भी घुमाओ, आप जनरेटर की मदद से घुमाओ, इंजन की मदद से घुमाओ, हवा की मदद से घुमाओ, भाप की मदद से घुमाओ, पानी की मदद से घुमाओ, या आप खुद उसको घुमाने लग जाओ, तो जब भी कोई करंट कैरिंग कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाया जाता है, रोटेट कराया जाता है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाता है, दैट्स वाई इंड्यूस करंट आ जाती है। इसको कहा गया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही काम करता है जनरेटर। चलिएगा।